अवकल समीकरण के सवाल आपको चल रहे थे, तो अवकल समीकरण के 8-8 नंबर के मैंने 12-13 सवाल दिए थे आपको, तो वो खत्म होने वाले आज। आपका 8 नंबर वाले जो जितने भी सवाल थे अवकल समीकरण, 8 नंबर में से 8 नंबर का जो सवाल बोर्ड परीक्षा में आएगा, वो मैंने 12-14 सवाल आपको दिए थे एक साथ पीडीएफ में, जिन्होंने नहीं देखा वो देख लीजिएगा, और मैं फिर से वीडियो बना दूंगा, और उन सभी सवालों का मैंने सॉल्यूशन लगभग नहीं पूरा करा दिया है, बाकी एक सवाल बच रहा है वो मैं आज ले लेता हूँ, ठीक है। एक दो सवाल बच रहे देखें, शायद दो नहीं एक है, जो भी है अभी कर देंगे, ठीक है ना। एक सवाल ये है आपका, देखिएगा बहुत ही प्यारा लाजवाब है, अवकल समीकरण को हल करो, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, ये है साथ में वाई साइन वाई बट्टे एक्स बराबर वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, और साथ में है इसमें कॉस वाई बट्टे एक्स, वाई बट्टे एक्स। बहुत लंबा सवाल है ये, ठीक है ना, एनसीईआरटी की किताब में भी दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको करना है ये सॉल्व, ओके। चलिएगा इसको देखिएगा, जब कभी भी याद रखना, जब कभी भी इस टाइप से दिखाई दे कि आपको dx dy अलग अलग दिखाई दे, तो वहां से dx वालों को एक तरफ, dy वालों को एक तरफ करो, और मोस्टली याद रखना dy वालों को dy वाले पदों को इधर की साइड में और dx वालों को उधर, क्योंकि dx को वहां से कॉमन लेके आए तो dy बट्टे dx बन जाए, ठीक है। चलिएगा तो वही काम करेंगे हम, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले ये y sin y बट्टे x की मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो यहां से स्टार्ट करेंगे, क्या कि लंबा काफी है, यहां से करेंगे स्टार्ट, ठीक है। चलिएगा, चलो मैं ये चीज यहां से स्टार्ट करता हूं, ताकि यहां से पूरा का पूरा बोर्ड होता चलेगा कवर अप, ठीक है। तो ये देखिएगा x इसकी मल्टीप्लाई, ये लाइन लिख लेना, और इसके बाद में आप यहां से लिख लेना, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, कॉपी स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद में यहां से करना है आपको, या कॉपी पेंसिल लेकर बैठा करो, वो करते रहा करो, x और इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दो इसकी, x इसके साथ में y sin x, ये वाली मल्टीप्लाई होगी, x ये dy था और इसमें मल्टीप्लाई किसकी हो जाएगी, चलो dy को पीछे लिखेंगे, dy को इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो एक्स वाई साइन वाई बट्टे एक्स, ये हो गया, साथ में इधर डी वाई आ गया, माइनस ये वाई इसके साथ में इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो वाई और वाई कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये है साइन वाई बट्टे एक्स, इसमें भी इसमें डी एक्स है, ये आ गया बराबर, इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों पदों की मल्टीप्लाई इसमें कर दी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दी, ऐसे ही x cos y बट्टे x की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x y cos y बट्टे x, और ये हो जाएगा dx, प्लस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर cos y बट्टे x, और ये हो जाएगा dy, ये आ जाएगा। अब dy एक तरफ और dx वाले पद एक तरफ, ठीक है, dy तो dy इधर है और ये वाला dy वाई इधर ले आइए, तो कितना हो जाएगा, एक्स वाई साइन वाई बट्टे एक्स, ये है dy, और ये पूरा का पूरा पद इधर आएगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस वाई बट्टे एक्स dy बराबर, ये देखिएगा एक्स वाई कॉस वाई बट्टे एक्स dx, ये वाला पद जो कहते हो, और ये वाला इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस y स्क्वायर साइन y बट्टे x, और ये dx, ये चीज आ जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब dy इसमें कॉमन ले लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स वाई साइन y बट्टे x डी, ये तो कॉमन आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस y बट्टे x, ये आ गया, और इसमें से मैंने क्या कॉमन ले लिया, इधर से मैंने dy कॉमन ले लिया, ऐसे ही इसमें भी एक बार dx को इधर पीछे की साइड में कॉमन ले लेंगे तो ये कितना बचेगा, एक्स वाई कॉस वाई बट्टे एक्स प्लस वाई स्क्वायर साइन वाई बट्टे एक्स, और ये ब्रैकेट बंद, ये dx बचेगा, ठीक है, ये अलग चीज है, ठीक है, चलिए dx हो गया। अब dy बट्टे dx को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, dy बट्टे dx बराबर, एक लंबी सी लाइन, ठीक है, देखिएगा इसमें इंक डाल लेता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, दिखाई नहीं, तो देखिएगा इंक डाल लिया ताकि डार्क हो जाए आपका, ये देखिएगा, तो ये देखिए
तो ये देखिए dy बट dy था यहां से dx इधर आ गया, ये वाली पूरी वैल्यू और ये वाली पूरी वैल्यू नीचे आ जाएगी, तो ये वाली पूरी वैल्यू कितनी है x y cos y बटे x ये है, प्लस ये y स्क्वायर sin y अपॉन x ये आ गया पूरा, ठीक है। ये dx तो इधर आ गया y के नीचे, ये पूरी की पूरी वैल्यू इसके नीचे चली जाएगी, ठीक है। तो ये पूरी वैल्यू इधर चली जाएगी, कितना है एक्स वाई साइन साइन और ये है वाई बट्टे एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉस वाई बट्टे एक्स। देखिए बड़ा सवाल है, थोड़ी सी भी गलती मत करना, हर चीज को हर स्टेप को समझना, पहली लाइन ये, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, ठीक है। अब देखिएगा क्या एक्स और वाई की घातें समान है, देखिएगा यहां पर एक्स वाई ये एक पद है, इस पद की घात कितनी है, ये दो है, इसकी भी दो है, इसकी भी दो, इसकी दो है, समघातीय, सम अंश बट्टे हर की घात समान है तो समघातीय, तो लिख देंगे यह एक समघातीय समीकरण है, समघातीय समीकरण है, अतः इसमें क्या मानेंगे, इसको समीकरण एक मान लो, क्या मानते हैं आपको पता है वाई बराबर मानेंगे इसमें क्या, अतः माना y बराबर वी एक्स, तो यहां से v की वैल्यू भी निकालते हैं, अभी भी बताया था इससे पहले वाले सवाल में, हर सवाल में बताता आ रहा हूं, y बराबर वी एक्स मानेंगे तो v बराबर क्या हो जाएगा, y बट्टे x हो जाएगा, यहां से हम इसका अवकलन करेंगे, अवकलन करेंगे कैसे, dy बट्टे dx बराबर, ये पहला फंक्शन ये दूसरा फंक्शन, पहला फंक्शन दूसरे का अवकलन, एक्स का अवकलन करेंगे वन, तो वन को तो लिखो या मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है, फिर प्लस दूसरा फंक्शन x और फिर y का, पहले वाले का अवकलन है पहला फंक्शन, दूसरे का अवकलन, दूसरे का अवकलन तो 1 हो गया, 1 को लिखो या मत लिखो, फिर दूसरा फंक्शन पहले का अवकलन, पहले का अवकलन क्या हो जाएगा dv बटे dx ही आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, अब ये y और dy बटे dx लिखेंगे, y और dy बटे dx का मान समीकरण एक में रखने पर, इस समीकरण एक में रख देंगे, जहां यहां पर dy बट्टे dx आ रहा है वहां पर क्या रख देंगे हम, देखिएगा इस लाइन में यहां पर दिखाई दे रहा है आपको, ये दिखाई दे रहा है बहुत आसानी से रख जाएगा, चलिए dy बट्टे dx की जगह पर रखेंगे v प्लस x dv बट्टे dx, ये आ जाएगा बराबर dy बट्टे जगह पर, तो ये आ गया बराबर, ये लंबी सी लाइन खींच दो, ठीक है। जहां पर x है वहां तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां जहां पर y आ रहेगा वहां वहां पर vx रखेंगे, ठीक है, x और यहां पर क्या रख देंगे y की जगह पर रख देंगे vx, ठीक है। और ये देखिएगा cos, और ये देखिएगा ये है आपका क्या, ऊपर है y की जगह पर रखा जाएगा vx, ठीक, और नीचे आपका x है, ठीक, प्लस वाई स्क्वायर, वाई की जगह पर क्या लिया जाएगा वी एक्स, तो वी एक्स का स्क्वायर, ठीक, और साइन वाई बट्टे एक्स, तो साइन वाई बट्टे एक्स की जगह पर वी एक्स बट्टे एक्स, समझ में आ गई बात, क्यों वाई की जगह पर वी एक्स रखना है, ठीक है, वही काम नीचे करना है आपको, एक्स वाई, एक्स और वाई की जगह पर कितना वी एक्स, साइन और ये हो जाएगा y x बट्टे x, प्लस नहीं यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस आएगा, ये माइनस, समझ में आ गई, y की जगह पे वी एक्स, सॉरी वाई एक्स नहीं वी एक्स, कहीं और जगह पे तो नहीं, वी एक्स, ठीक है, चलेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये है आपका cos, और ये देखिएगा इस y की जगह पे क्या आएगा वी एक्स अपॉन, और नीचे आ जाएगा एक्स, ये वाला, ठीक है, ठीक, समझ में आई बात नहीं आई, चलेगा। अब देखिएगा कुछ कट रहा है, काट दीजिए, देखिए इस वाले से ये वाला कट जाएगा, 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 ठीक है। और देखिएगा तो ये क्या हो क्या जाएगा, देखिएगा यहां से मैं इधर की साइड में लिख रहा हूं, ठीक है, ये हो जाएगा इसको भी मैं समीकरण एक यहां पर लिख दे रहा हूं इस तरह से, ठीक है, यहां पर ताकि ये पूरा बोल्ट इस्तेमाल हो जाए, तो ये है आपका v प्लस x dv बटे dx,
बराबर v प्लस एक्स डीवी बटे डी एक्स, ठीक है। देखिएगा ये v और x और x की मल्टीप्लाई करेंगे v x स्क्वायर, ठीक है। देखिएगा ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर इंटू वी, एक्स स्क्वायर इंटू वी, चलो x और x, x स्क्वायर और v नीच, और ये देखिएगा यहां पे x से x कट जाती है, cos v बचेगा, कितना बचेगा cos v बचेगा, ओके cos v बचा, प्लस ये देखिए v स्क्वायर x स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस v स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, और ये sin v बचेगा, इधर कितना बचा sin v, समझ में आई बात नहीं आई, x x कट गया sin v बचा, v x का स्क्वायर है तो v स्क्वायर x स्क्वायर, वही चीज x की x में करेंगे x स्क्वायर v, x स्क्वायर v, ये sin v, यहां पे क्या आ जाएगा sin v माइनस एक्स स्क्वायर कॉस वी, एक्स स्क्वायर कॉस वी, अब देखो थोड़ा सा छोटा सा लग रहा है, चलिए अब थोड़ी सांस में सांस आती है ना, एक्स स्क्वायर ऊपर है एक्स स्क्वायर नीचे है, तो सब कॉमन लेकर काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा वी प्लस एक्स डीवी बटे डी एक्स बराबर, यहां से एक्स स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा ये बचेगा वी को, और सुनो और भी कॉमन है एक्स स्क्वायर वी, एक्स स्क्वायर वी कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर v कॉमन ले लेंगे, और देखिए नीचे x स्क्वायर ही कॉमन लीजिए क्योंकि यहाँ पे फिर v का चक्कर पड़ जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, यहां से आप कॉमन ले लीजिए, तो यहां से आप कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा x स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा v cos v प्लस v स्क्वायर sin v, ये बचेगा x स्क्वायर कॉमन ले लिया v cos v v स्क्वायर sin v, ये बचा, यहां से x स्क्वायर कॉमन जाएगा तो ये x स्क्वायर कॉमन गया तो यहां पर कितना बचेगा v sin v माइनस cos v, ये बचेगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे ये वाला कट गया तो अब बचेगा क्या, अब बचा v प्लस x dv बटे dx बराबर, ये बचा आपका v cos v माइनस प्लस v स्क्वायर साइन वी, और ये बचा वी साइन वी माइनस कॉस वी, ठीक है। अब ये वाला वी उधर ले जाओ, ये वाला वी तो ऐसा करो ये वाले वी को उधर पहुंचा दो, ये कितना हो जाएगा माइनस का वी हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक्स डीवी बटे डी एक्स बचा, ठीक है, और ये बराबर ये यहां पर ये वाला वी था, ये वाला वी उधर पहुंच गया माइनस का हो गया, कोई दिक्कत नहीं, पहले ये वाली चीज लिख दी फिर ये वाला उधर पहुंचा दिया, ठीक है। अब क्या करें एक्स डीवी बटे डी एक्स ये आ गया, अब हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, ये वाला नीचे वाला एलसीएम आ जाएगा v sin v माइनस cos v, ये एलसीएम आ गया, जब ये एलसीएम आ जाएगा तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, जब इसमें मल्टीप्लाई होगी तो देखिए ये वाला तो सेम टू सेम रहेगा cos v प्लस v स्क्वायर sin v, ये आ गया। अब ये माइनस v की मल्टीप्लाई जब इसमें करोगे तो डायरेक्टली कर दे रहा हूं मैं, माइनस वी की मल्टीप्लाई जब इसमें करें क्योंकि ये नीचे एलसीएम ले आया तो एलसीएम ले आया तो इसकी मल्टीप्लाई उसमें हो जाएगी वी में, तो मतलब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा माइनस का वी स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन वी, ठीक है। माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस वी कॉस वी, ये आ जाएगा। अब देखिए कुछ कट रहा है तो उसको काट दीजिए, देखिएगा cos v ये दो जुड़ जाएंगे और ये वाले से ये वाला कट जाएगा, देखिएगा इस पूरे से ये वाला पूरा कट जाएगा तो बचेगा क्या, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही इजी सवाल है लेकिन कैलकुलेशन बहुत लंबी है, जल्दी से कर लीजिएगा, बहुत हर स्टेप को समझ लीजिएगा, जहां से नहीं समझ में आ रहा उसको पीछे करके देखना सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। हर स्टेप को एक एक बार पीछे करके देखना सब कुछ समझ में, बोल बोल के बता रहा हूँ कौन सी चीज कहाँ से आई है, देख लेना, ठीक है। चलिए इसको मिटा दे रहा हूं मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, बहुत ही इजी सवाल है। चलिए अब यहां से करता हूं मैं, कितना आ गया, ये आ गया एक्स डीवी बटे डी एक्स बराबर, ये देखिएगा वी कॉस वी और प्लस वी कॉस वी, ये बचा वी कॉस वी, इसको तो मैं जोड़ के लिख देता यार, वी साइन वी माइनस कॉस वी, ये बचा, ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे ये वी वी वाले एक तरफ कॉस कॉस वाले एक तरफ, तो ये कितना हो जाएगा, पहले देखिए इस चीज को उधर पहुंचा दो तो कितना हो जाएगा एक्स
डीवी बराबर ये कितना हो जाएगा टू वी कॉस वी, ये क्यों हो गया देखिए वी कॉस वी, वी कॉस वी तो कितना हो गया एक्स और एक्स टू एक्स होता है, वाई और वाई टू वाई होता है, ऐसे ही ये एक्स की जगह पर तो टू वी कॉस वी हो जाएगा, नीचे आपका वी साइन वी माइनस कॉस वी इतना आ जाएगा, ये डीएक्स था ये डीएक्स इधर पहुंच गया ठीक है, एक्स इधर पहुंच जाएगा ये चीज इधर आई थी ये ऊपर चला जाएगा वी साइन वी माइनस कॉस वी बट्टे और ये नीचे आ जाएगा टू वी कॉस वी ये आ जाएगा और ये डीवी इधर ये रहा डीवी, ये वाला डीवी जो कहते हो ये चीज नीचे और ये चीज ऊपर, ये एक्स था एक्स गुणा में इधर जाके क्या किसमें आ जाएगा भाग में आ जाएगा वन अपॉन एक्स डी एक्स, ये तो आप जानते ही हो कि एक्स एक्स वालों को एक तरफ वाई वाई वालों को एक तरफ, ये एक्स इधर पहुंच गया वन अपॉन एक्स में, ये चीज ऊपर पहुंच गई ये चीज नीचे आ गई ठीक है। अब इसका समाकलन करना है ठीक है, इसका समाकलन कैसे करेंगे, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर समाकलन कर दीजिए, इसका समाकलन करेंगे समाकलन वी साइन वी माइनस कॉस वी अपॉन टू वी कॉस वी और साथ में आ गया डी वी बराबर समाकलन वन अपॉन एक्स डी एक्स, ये चीज आ जाएगी। इसका समाकलन कैसे करेंगे देखिए अलग अलग तोड़ दीजिए, पहले इसको वी साइन वी अपॉन टू वी कॉस वी आ जाएगा इंटू डी वी माइनस ठीक है माइनस इसको इसको भी अलग तोड़ दीजिए, ये है आपका कॉस वी अपॉन टू वी और ये हो जाएगा कॉस वी इंटू डी वी। हमने क्या किया इस वी एक पद और एक पद ये दो पद थे तो पहला पद वी साइन वी अपॉन वी टू वी कॉस वी इसको ले लिया ये माइनस वी टू वी वी अपॉन कॉस वी अपॉन टू वी ये मतलब ये एक पद बट्टे ये वाला पद ये वाला मतलब भिन्न करते हैं ना जैसे तीन माइनस चार बट्टे सात है तो हम इसको तीन बट्टे सात माइनस चार बट्टे सात ऐसे लिख सकते हैं तो वही काम कर दिया है ये इस तरह से ठीक है कोई दिक्कत नहीं है चलिएगा बराबर। इसका समाकलन तो आपको पता ही है वन अपॉन एक्स का क्या होता है लॉग एक्स हो जाएगा ठीक है प्लस एक कॉन्स्टेंट और जुड़ेगा तो कॉन्स्टेंट यदि ये लॉग लॉग वाला है तो लॉग वाला कॉन्स्टेंट जुड़ेगा अदरवाइज नहीं, चलो इसको बाद में करेंगे एक साथ ही इसका समाकलन करेंगे ताकि हमको कॉन्स्टेंट का पता चल सके कॉन्स्टेंट किस रूप का जोड़ना है ठीक है। अब देखिएगा इसका 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 समाकलन कैसे होगा इस v से ये वाला v कट गया इस cos v से ये वाला cos v कट गया तो ये एक बट्टे दो ये एक बट्टे दो मैंने बाहर ले लिया समाकलन sin बट्टे cos ये क्या हो जाएगा tan v और dv हो जाएगा माइनस समाकलन ये देखिएगा एक बट्टे दो इसका इसका भी एक बट्टे दो बाहर ले लिया cos v से cos v कट गया तो वन अपॉन वी बचा ये dv हो जाएगा बराबर समाकलन वन अपॉन एक्स और dx हो जाएगा। अब tan x का समाकलन क्या होता था tan x का समाकलन tan x का समाकलन होता है आपका log sec x कितना होता है tan x का समाकलन होता है log sec x तो वही चीज यहां पर करेंगे tan x का समाकलन log sec x होता है तो उसी रूप से हम एक बट्टे दो ठीक है एक बट्टे दो और ये कितना हो जाएगा देखिएगा ये हो जाएगा आपका log और इसको बोलेंगे हम log sec x तो sec और v हो जाएगा sec v भाई ये log x होता सूत्र होता है tan x का समाकलन करते हैं तो log sec x आता है ये tan v है तो tan v का समाकलन करेंगे तो log sec v आ जाएगा इतना आ जाएगा ठीक है माइनस एक बट्टे दो और ये वन अपॉन v का क्या हो जाएगा log v हो जाएगा ठीक है वन अपॉन x का log x होता है तो वन अपॉन v हो जाएगा ये वन अपॉन x का log x हो जाएगा प्लस अब कॉन्स्टेंट जोड़ेंगे तो कॉन्स्टेंट भी इसी रूप का जोड़ेंगे तो लॉग सी हो जाएगा कॉन्स्टेंट ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है नो प्रॉब्लम। अब क्या करेंगे भाई कोई ज्यादा बड़ा लोचा नहीं है इसमें देखिएगा अब हमको क्या करना है कि ये वन अपॉन टू है चाहो तो इसकी घात पर लगा सकते हो आप क्या घातों पर लगा सकते हो वन अपॉन टू का मतलब क्या है कि देखिएगा मैं आपको नॉर्मली समझाऊं यहां पर समझो वन अपॉन टू लॉग एक्स है इसका मतलब हम लिख सकते हैं इसको लॉग एक्स की पावर वन अपॉन टू और इसका मतलब हो गया लॉग अंडर रूट एक्स ये लिख सकते हो लिख सकते नहीं लिख सकते तो वही काम हम यहां पर करेंगे इसको लिख देंगे लॉग अंडर रूट सेक वी माइनस लॉग
अंडर रूट बी बराबर, ये कितना हो जाएगा लॉग एक्स लॉग एन प्लस लॉग एन, तो क्या हो जाएगा लॉग एक्स सी हो जाएगा, ठीक है एक्स सी हो गया। अब ये देखिएगा ये भी अपने आप में लॉग की प्रॉपर्टी में, लॉग एन माइनस एन, जब माइनस होता है तो भाग में आता है, प्लस होता है तो गुणा में आता है। चलिएगा तो यहां से मिटा दे रहा हूं मैं, इसको ही मिटा दे रहा हूं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है चलिएगा। जिनको नहीं पता ये कैसे हो गया, ये लॉग की प्रॉपर्टी का यूज किया है, लॉग एम प्लस लॉग एन बराबर होता है लॉग एम एन, और यदि लॉग एम माइनस लॉग एन होता है तो हम लिखते हैं उसको लॉग एम बट्टे एन, तो यही प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होगा। एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हो गया, देखिए ये लॉग एम मान लो और ये लॉग एन, तो ये लॉग एम बट्टे एन आ जाएगा, ठीक है क्या आ जाएगा एम बट्टे एन, तो हम इसके अगली लाइन से क्या लिखेंगे लॉग एम बट्टे एन, एम की जगह पे अंडर रूट सेक बी और ये अंडर रूट वी आ जाएगा बराबर लॉग ये एक्स सी आ जाएगा, ठीक है एक्स और सी। अब इस लॉग से ये लॉग कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट सेक बी बट्टे अंडर रूट वी बराबर एक्स सी आ जाएगा। अब दोनों का चाहो तो यहीं तक उत्तर छोड़ दो, वरना हम क्या करेंगे वी का मान रखेंगे, वी का मान बाद में रखो, पहले इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो वर्ग करने पर, क्यों अंडर रूट खत्म हो जाएगा, वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट सेक बी बट्टे अंडर रूट वी, इसका भी स्क्वायर बराबर एक्स सी इसका भी स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये सेक वी हो जाएगा और ये वी बचेगा बराबर ये एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ये आ गया। अब वी का मान रख दो, वी का मान रखने पर वी का मान क्या था याद हो तो वाई बराबर वी एक्स मानते हैं तो वी बराबर क्या हो जाता है वाई अपॉन एक्स, ये तो आपको पता ही है, तो यहां पर ये क्या है ये है आपका सेक ये ठीक है वी, वी की जगह पे क्या रख देंगे वाई बट्टे एक्स, नीचे भी वाई बट्टे एक्स आ जाएगा बराबर एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर ये चीज आ जाएगी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मली देखा जाए तो ऐसा करो, अभी एक लाइन यहां से आप ऐसा करना, एक लाइन और इजी हो जाएगी, तो वी को उधर पहुंचा दो तो क्या हो जाएगा सेक वी बराबर वी एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर ही आ जाएगा। अब वी का मान रख दो, वी का मान रखने पर जब वी का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा सेक वाई बट्टे एक्स बराबर वाई बट्टे एक्स इंटू एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है ये आ जाएगा। अब इस x से इसकी घात कट जाएगी तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका sec y बट्टे x बराबर ये केवल एक x बचेगा y x c स्क्वायर, या आप लिख सकते हो sec y बट्टे x बराबर x y c स्क्वायर, ये आ जाएगा है ना ये आंसर। देखो कितना बड़ा सवाल था, इतना बड़ा सवाल और इतना छोटा सा उत्तर, ठीक है याद रखना इस चीज का यदि तुम अवकलन करोगे ना, इसका अवकलन करोगे तो वही पूरी वाली लंबी वाली समीकरण बन जाएगी, ठीक है चलिए बहुत जल्दी इसको कर लीजिएगा। ये आपका उत्तर आ चुका है, ठीक है ना आपका ये उत्तर आ चुका है, ठीक है बहुत जल्दी इसको कर लीजिएगा, ठीक आपका देखिएगा ये सी स्क्वायर। अब देखो एक चीज और होता क्या है कुछ चीजों में यहां पर, ठीक है यहां पर क्या दे रखा हुआ एक चीज और समझ लो, अभी मैंने उत्तर देखा है तो आपको उत्तर माला तो मिलेगी नहीं, यहां पर लिख देना सी स्क्वायर, जहां सी स्क्वायर क्या है सी स्क्वायर एक नियतांक है, तो भैया ये नियतांक है ना तो इस नियतांक को आप सी स्क्वायर, जैसे पांच है पांचवी नियतांक के कांस्टेंट और पांच का स्क्वायर कर देंगे तो ये आ गया 25, तो ये भी कांस्टेंट है, तो आप कांस्टेंट को स्क्वायर दिखाने की जरूरत ही नहीं है ऐसे सवाल में, समाकलन के में लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो sec y बट्टे x x y c, ये लिख सकते हो यहां पर लिख देना c बराबर c, c भी एक नियतांक है, c भी नियतांक है, c एक नियतांक है, ठीक नियतांक है, यहां पर
सी स्क्वायर भी एक नियतांक है, मतलब सी स्क्वायर का मान भी नियतांक, सी भी नियतांक, तो आप सी स्क्वायर बराबर आप लिख सकते हो सी स्क्वायर बराबर कैपिटल सी, यहाँ पर कैपिटल सी भी लगा सकते हो, मतलब यह है कि ये नियतांक है। तो नियतांक को स्क्वायर लगाओ या डायरेक्ट छोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो नियतांक नियतांक ही होगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप इतना ही उत्तर लिखिए, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, पूरा ही नंबर मिलेगा। मैं तुमको बताना चाह रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, उत्तरमाला से हु मिलाने की कोशिश करते हैं, भाई आप नियतांक है, नियतांक पर स्क्वायर लगाओगे तो भी तो वो एक नियतांक ही रहेगा, क्योंकि हमने ये सी नहीं जोड़ा है, ये इसका मतलब ये है जब समाकलन करते हैं तो एक नियतांक जोड़ा जाता है, नियतांक में कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक, तो इसलिए यहाँ पर कोई भी एक नियतांक, चाहे स्क्वायर का नियतांक हो या सी नियतांक हो, तो डायरेक्टली नियतांक जोड़ते हैं। ठीक है, चलिए बस ये चीज आती है, क्लियर, चलिएगा। बाकी आज की वीडियो में सब इतना ही करते हैं, और तो इतना ज़्यादा खास बचा नहीं, मिलेंगे कुछ ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।